तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, सॉरी यस आई एम मिस्टेक इन समथिंग, बताता हूँ। चलिए, तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन बना है वो कुछ इस नेचर का है, ठीक है, जहाँ पे हम जी एस को वी आर ट्रीटिंग एज द कंपनसेटिंग नेटवर्क, जो हमारा सिस्टम में एक लीड कंपनसेशन इवेल्युएट करेगा। तो अगर हम इस सिस्टम का पोल जीरो प्लॉट डेवलप करते हैं, तो पोल जीरो प्लॉट हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता है, देख लो, पोल जीरो प्लॉट, ठीक है। तो पोल जीरो प्लॉट में हमने डिस्कस किया था, जो होगा जीरो, जीरो मस्ट बी हेयर एंड अ पोल इज समवेयर ओवर हेयर। तो यहाँ पे पोल की कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है 1/T एंड यहाँ पे जीरो की कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है 1/80, ठीक है। दिस इज माई जीरो, दिस इज माई पोल। तो जीरो मस्ट लाई अहेड ऑफ दिस पोल इन केस ऑफ अ लीड कंपनसेशन नेटवर्क, हमेशा ये याद रखना। दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हिच अ लीड कंपनसेटर डस, क्या कहता है, हमेशा जीरो जो है वो आगे लाई करना चाहिए टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, एंड पोल जो है वो बाद में लाई करना चाहिए। तो हमने ये यही चीज डिसाइड की है। अगर यहाँ से इवेल्युएट करें तो ए की वैल्यू इंस्टेड ऑफ हैविंग लेस देन वन, इट शुड बी ग्रेटर देन वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेटर देन वन अगर यहाँ रखेंगे तो 1/ ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर देन वन इज लेस, ठीक है, इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू इज लेस। तो इसलिए यहाँ पे ए मस्ट बी ग्रेटर देन वन। शायद मैंने कुछ गलत मिसरीड किया था कल, मैंने कल ए वॉज लेस देन वन मैंने रीड किया था, लेकिन नाउ ये ध्यान देना, फॉर अ लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क, लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क में हम ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन रखेंगे, जिसकी वजह से द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1/80 इज मोर क्लोज टू ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन फॉर अ जीरो वैल्यू, एंड पोल हमारा पीछे लाई करेगा। तो इस टाइप का हमारे पास कंपनसेटिंग नेटवर्क बनता है। अब इस कंपनसेटिंग नेटवर्क का इफेक्ट क्या होगा सिस्टम में, ठीक है, वो चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो हम क्या जानते हैं, हम एक नॉर्मल हमने बोडे प्लॉट इवेल्युएट किया किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। अब जब हमने इवेल्युएट किया तो हमने चेक किया कि हमारे पास पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं। तो अगर हमें मैच करनी है वो कंडीशंस, तो हमने एक कंपनसेटिंग नेटवर्क कास्केड में लगाया, यानी कि एक इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन के आगे हमने एक छोटा सा और ट्रांसफर फंक्शन निकाला लगाया, जिसका वैल्यू था जी सी एस, विच वॉज इक्वल टू 1/AST/1+ ST, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विल लुक लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई इनपुट एंड दिस विल बी माई जी एस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जी एस कह लो या ये कह लो सी एस बाय आर एस ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। ये हो सकता है जी एस भी हो सकता है ओपन लूप, इट कैन बी अ क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए होता है GS/1+GS/HS। तो कोई भी एक सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा हमारा, एंड वॉट इज दिस, दिस इज माई जी सी एस, द गेन ऑफ द कंपनसेटिंग नेटवर्क। तो कंपनसेटिंग नेटवर्क हमेशा कास्केड में लगेगा, एंड इसको हम सीरीज कंपनसेशन भी कहते हैं, एक के बाद एक लगा हुआ, ठीक है। अगर नेटवर्क पैरेलल में लगता है तो दैट इज कॉल्ड कास्केड कंपनसेशन। तो सेम चीज को दो वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि एक सीरीज कंपनसेशन बैक टू बैक लगने वाला कंपनसेशन, ठीक है, एंड विच इज नोन एज कास्केड कंपनसेशन एज वेल, ठीक है। तो कास्केड कंपनसेशन या सीरीज कंपनसेशन इज सेम। चलिए, तो अब हमने, वंस वी हैव डेवलप दिस पोल जीरो प्लॉट, हमें पता है कुछ हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए, ठीक है। हम इस सिस्टम का बोडे प्लॉट या बोडे रिस्पॉन्स इवेल्युएट करेंगे। तो बोडे रिस्पॉन्स इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ये और एक ये, हमने इनको मार्क किया, लेट दिस बी ओमेगा,
C1 is equal to 1 upon AT1 and दूसरी corner frequency हमारी lie कर रही है omega C2 is equal to 1 upon T. तो इस टाइप से हमारे पास दो नेटवर्क हमारे पास या दो सिस्टम्स हमारे पास है. Am I clear? तो अब जब हमारे पास ये दो नेटवर्क हमारे पास ये दो है इसका हम मैग्नीट्यूड प्लॉट इवेलुएट करेंगे एज वेल एज फेज प्लॉट इवेलुएट करेंगे. तो हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्स एक्चुअली लुक्स -180 डिग्री ले लेते हैं बट देर इज नो नीड हम इसको 0 डिग्रीज के रेफरेंस में भी देख सकते हैं. ठीक है वेदर द सिस्टम गोज अबव और वेदर द सिस्टम गोज बिलो. अगर ऊपर जाता है तो लीड कंपनसेशन नीचे जाता है सिस्टम का रिस्पॉन्स तो लैग कंपनसेशन. ठीक है दो टाइप के कंपनसेशन तो ऑब्वियस है लीड कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट गो अपवर्ड्स. ठीक है अपवर्ड्स जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें जीरोज रखना पड़ेगा देन वी हैव टू प्लेस आवर पोल. ठीक है दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन आवर माइंड ऑलवेज कि अगर हमें लीड कंपनसेशन बनानी है तो जीरो पहले बाद में पोल. अब मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे तो देखो बिफोर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम केवल इस नेटवर्क का बॉडी प्लॉट बना रहे हैं. याद रखना बिफोर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो रिस्पांस है इस सिस्टम का दैट इज जीरो यानी कि ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है. वंस द सिस्टम अटेन्स अ जीरो वैल्यू जीरो आने के बाद क्या होगा जब सिस्टम में कोई भी वैल्यू जीरो आती है या पोल आती है तो सिस्टम का रिस्पांस यानी कि स्लोप चेंज होता है. अगर पोल आता है पहले तो हमारे पास -20 dB पर डेसिबल्स का स्लोप आता है अगर जीरो आता है तो +20 dB पर उसका चेंज आता है. ठीक है तो अब हमने क्या है वी हैव ऑब्जर्व वी हैव ऑब्टेन्ड अ जीरो. जीरो आते ही हमने क्या किया सिस्टम को धीरे धीरे +20 dB पर डिकेड के स्लोप से हमने ऐड कर लिया पर 20 dB पर डिकेड. ठीक है तो +20 dB का मतलब क्या है 20 divisions का इंक्रीमेंट होना. तो हमने क्या है एक डिकेड में 20 divisions का इंक्रीमेंट होगा ऐसा स्लोप हमने बना लिया. ठीक है अब वंस जैसे ही हम पोल पे पहुंचे पोल पे पहुंचने के बाद क्या होगा अगेन सम स्लोप इज एडेड. तो +20 dB में -20 dB एड हो गया. -20 dB एड होने के बाद द स्लोप इज 0 dB पर डिकेड नाउ. ठीक है यानी कि सिस्टम ने यहां से इनिशिएट हुआ इस सिस्टम का रिस्पॉन्स यहां से इनिशिएट हुआ यहां तक गया पोल आया पोल के बाद This has become parallel to 0 dB line. तो इस टाइप का रिस्पॉन्स कुछ हमें मिलता है मैग्नीट्यूड प्लॉट का ऑफ दिस कंपनसेटिंग लीड कंपनसेटर. ठीक है अब पोल पे आते हैं यहां पे आते हैं फेज प्लॉट पे. फेज प्लॉट पे क्या है सिंस अगर हम इसका फेज प्लॉट इवेलुएट करेंगे तो फेज प्लॉट हमारे पास मिलेगा -tan inverse AT ओमेगा. ठीक है सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा एंड माइनस ऑफ टेन इनवर्स दिस इज टी ओमेगा सिंपली जहां पे ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन ये याद रखनी है. ठीक है तो ये ज्यादा हो गई हो सकती है. तो अब नाउ वी विल पुट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो जो हम चीज ऑब्जर्व करेंगे बिफोर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम का रिस्पांस है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा एंड आफ्टर दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी द सिस्टम रिस्पांस विल बी अप्रोक्सीमेटली टू जीरो. यस लेकिन जो स्लोप होता है वो एकदम से राइज नहीं होता एकदम से डिक्रीज नहीं होता तो दस जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको. ठीक है समवेयर इन बिटवीन दीज टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज अ मैक्सिमम पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड. ठीक है ये मैक्सिमा कहां आएगा इन दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज के बीच में. ठीक है तो ये चीज हम इवेल्युएट करेंगे. तो अब इस प्लॉट को जब मैं इस फंक्शन के साथ ऐड करूंगा तो क्या होगा ये चीज मेरा इंप्रूवमेंट आएगा एज वेल एज ये लैग कंपनसेटर की वजह से ये फेज मेरा एडिशनली एड हो जाएगा किसी भी सिस्टम में.
ठीक है, इट कैन हैव अ मैक्सिमम फेज ऑफ प्लस 90 डिग्रीज और -90 डिग्रीज, ठीक है, या तो +90 डिग्री होगा या -90 डिग्री होगा, सिंस इट इज अपवर्ड देन, इसकी वजह से ही कहलाता है लीड नेट कंपनसेटर, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, फेज को एडिशनली ऐड किया, ठीक है, तो ऐड करने की वजह से दिस इज नोन एज लीड कंपनसेटर, लीड कुछ इंक्रीमेंट मिला, एम आई क्लियर नाउ, स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ चीजें आपको समझाई, केवल एक्सप्लेन की है, वी विल बी शॉर्टली डूइंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट, ये चीज समझ में आ गया, इसको हम कह देते हैं फाइव फेज, फेज ऑफ जी सी कंपनसेटिंग, फाइव सी लिखे इंस्टेड जी सी, वी राइट इट एज फाइव सी, कंपनसेटिंग नेटवर्क का फेज, ठीक है, तो व्हाट इज गेन ऑफ द सिस्टम, यहाँ से पता है गेन में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, यहाँ पे इसकी स्लोप थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जहाँ जिस भी पॉइंट से आपको इंक्रीज करनी है, ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली इज वी हैव टू इवेलुएट दिस पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है, हमें ये चीज इवेलुएट करना है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये चीज हमें इवेलुएट करनी है, ठीक है, ताकि हम किसी भी सिस्टम में अगर ये चीज चाह रहे हैं तो इस चीज को वहीं ऐड करें हम जहाँ पे एग्जैक्टली हमें फेज डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, ताकि मैक्सिमम फेज डिफरेंस कैन बी ऑब्टेंड, हम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक सिस्टम पे ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो वी शुड नो द मैक्सिमम पॉइंट, तो उस पॉइंट के हिसाब से वी कैन ऐड आर कंपनसेटिंग नेटवर्क टू इट, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फेज मिला है एंड वी हैव टू वर्क ऑन फेज ओनली, तो हम क्या करेंगे, इसी फेज का, इस फेज से हम इवेलुएट करेंगे मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि ये वाली चीज एंड अगेन द फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ 90 डिग्रीज, यानी कि मैक्सिमम स्लोप जो मैक्सिमम फेज है इन दोनों के नेटवर्क से दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी क्या हो जाता है, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, बताओ जल्दी, ए अच्छा, ए माइनस बी अपॉन 1 + AB। माइनस बी अपॉन 1 + AB, यस, ठीक है, तो ए माइनस बी हम इवेल्युएट करेंगे, ए ओमेगा माइनस टी ऑफ ओमेगा अपॉन 1 + AB, ए बी हमारे पास हो जाएगा ए टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस फेज कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज, वन थिंग सॉरी चलो ऐसा इसे नहीं नाइन्टी करेंगे क्या? डिग्रीज ए 90 डिग्रीज रहने दो, क्या 90 डिग्रीज रहने दो, ये जो फाइव की वैल्यू है इसमें दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डाल के एंगल देखेंगे कितने एंगल पे हो रहा है। नहीं बेटा ऐसे इवेल्युएट नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज नॉट स्टैटिक टू अस, ये हो सकता है कि यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, ये वी आर अननोन ऑफ दिस थिंग, हमें ये पॉइंट खुद डिसाइड किया है, ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, अगर ये फिक्स्ड होता दैट वुड हैव बीन डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, आपको जरूरी थोड़ा है हमेशा इसी टाइप का मिलेगा, आपको ऐसे भी तो मिल सकता था, आप बहुत वी कैन यू कैन यूज अ लार्जर स्केल एज वेल, है ना, तो जरूरी नहीं है, अगर आपको नैरो बैंडविथ में ऑपरेट करना है तो नैरो बैंडविथ आप ले सकते हो, यू कैन हैव लाइक दिस एज वेल, है ना, तो यू कैन हैव अ मल्टीपल थिंग्स, इस केस में क्या होगा द वैल्यू गेट्स क्लोजर, इस केस में क्या होगा द वैल्यू गेट्स अ लार्ज बैंडविथ, ठीक है, तो इसलिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कंपनसेटिंग नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, जैसी आपकी डिजायर्ड होगी उसके हिसाब से आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसमें मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं। मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेट इट टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, आई विल डिफरेंशिएट दिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेट इट टू जीरो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स, ये तो मेरे को भी नहीं आता है। चलिए, तो ये तो मुझे भी नहीं आता, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर ये सर 10 का फॉर्मूला बन रहा है सर, किसका? 10a-10b का। 10a-10b, 10a-10b कैसे? फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, वो फॉर्मूला होता है चलिए, ए ए माइनस बी अपॉन ओनली वन द प्लस ए थिंग व्हाट मल्टीप्लाई कैन बी। बी डन इज, हम एक काम और कर सकते हैं इसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 of IC, आई एम केवल एक्सप्लोरिंग द थिंग। ठीक है, 10 of AC अपॉन, यहां से हमारे पास मिल सकता है टी ऑफ ओमेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - a डिवाइडेड बाय, यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नथिंग, 1 + a टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस टाइप का फंक्शन हमें मिल गया। तो ए इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, डी ऑफ 10 in φc अपॉन डी ऑफ ओमेगा, इस चीज को भी आप डिफरेंशिएट करते हो कर सकते हो एंड यू कैन आई थिंक इक्वेट इट टू जीरो एज वेल। ठीक है, इस चीज को देन डिफरेंशिएटेड इक्वेट इट टू जीरो, ऐसा भी किया जा सकता है शायद। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करो इस चीज को, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास दो फंक्शंस मिल गए, एक टी ओमेगा 1 - a, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर, लिख सकते हैं ना, 1 + a टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा। ठीक है, माइनस ऑफ डिनोमिनेटर 1 + a टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या मिलेगा हमें, न्यूमरेटर है हमारे पास टी टाइम्स ए माइनस वन। ठीक है, इस चीज को आपको एक्सपैंड करना है ओनली। चलिए एक्सपैंड करके देखिए इसे, टी टाइम्स ओमेगा ए माइनस वन इनटू दिस 2 टाइम्स ओमेगा ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस टी टाइम्स ए माइनस वन 1 - a t² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉट टू राइट, वो डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 - a दिस कैन बी इक्वेटेड टू जीरो, दिस कैन बी इक्वेटेड टू जीरो, दिस कैन बी इक्वेटेड टू जीरो। ठीक है, ये चीजें जीरो कर दी हमने।
तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया ओमेगा इंटू ओमेगा, दैट इज टू वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन माइनस ए टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू जीरो। माइनस इंप्लीमेंट करते हैं, माइनस यहां माइनस वन बन जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, चलिए एनीवेज, तो यहां बन गया हमारे पास ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर ए टी स्क्वायर माइनस वन प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वन इधर आ जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास फंक्शन वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ए टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थ्री नहीं आना चाहिए, शायद यहाँ कहीं माइनस आना चाहिए, सॉर्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, चेक करो, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे माइनस आना चाहिए, नथिंग एल्स। यहाँ माइनस आ जाएगा, फंक्शन हमें मिल जाएगा, फंक्शन क्या मिल जाएगा, दैट ओमेगा इज इक्वल टू, इफ आई इग्नोर दिस थ्री, ठीक है, यहाँ माइनस हुआ तो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन बचेगा केवल ए टी स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू वन बाय ए अंडर रूट ऑफ वन बाय ए टी। तो ये हमारी वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये है हमारा पॉइंट जहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट हमें मिला है, दैट इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ए टी, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली, अगर आप ध्यान दो ऑब्जर्व करो तो इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकालें, तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा सी वन एंड ओमेगा सी टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए टी इंटू वन अपॉन टी, इसका अंडर तो इज एग्जैक्टली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाय अंडर रूट ए टी, ठीक है, तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, अब यही देखो गलती करवाई ना, येरा प्लस दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, तो ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ थी शायद, ठीक है, तो अगेन आई हैव रिजॉल्व, ये हमारे पास वैल्यू मिली एंड दिस इज व्हाट, तो इट इंडिकेट्स दैट जो भी हमारे पास दो बैंड की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है, सपोज हमें पता है कि इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक हमें सिस्टम के फैक्टर को लीड नेटवर्क में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के मीन का निकालेंगे, इवेल्युएशन करेंगे एंड आई विल हैव अ वैल्यू, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट मानेंगे, हमें क्लियर, तो अगर कहीं पे भी अगर हमें मैक्सिमम स्लोप चाहिए सिस्टम का तो हम यहां इवेल्युएट करेंगे, दिस ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए टी, क्लियर, चलिए, तो मतलब हम व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, सही आया रिजल्ट हमारा, फाई हमारे पास पता है, अगर मैक्सिमम पॉइंट निकालना है हमें तो कंडीशन हमें जानी पड़ेगी, तो कंडीशन हमारी ये है, हमने इंस्टेड ऑफ फाइव सी आई हैव इवेल्युएटेड टेन ऑफ फाइव सी देन आई हैव इवेल्युएटेड द कैलकुलेशंस, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड था वही आया है, ठीक है, क्लियर, चलिए, नाउ आपने केवल अभी कंडीशन इवेल्युएट करी है, इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे डाल दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिली है, वेदर इट इज 90 डिग्री और समवट लेस देन 90 डिग्रीज, तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 80, ये वैल्यू अगर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपनसेटिंग फेज मिल जाएगा, ठीक है, तो लेट्स डू इट,
चलिए चलिए 5 cm मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पे इवेल्युएट करें तो 5 cm विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में है ए तो हमारे पास पता है दैट इज ए इटसेल्फ, टी हमें टी है, ओमेगा हमारे पास क्या बन जाएगा दिस ओमेगा एम डाल लेते हैं इस चीज को फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास बना है 1/√a(t), ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ 10 इनवर्स टी इंटू 1/√a(t), टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, फंक्शन नाउ बिकम्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√a माइनस 10 इनवर्स 1/√a। क्या हुआ, जीरो कैसे आया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम, टी इवेलुएट किया, टी पुट ऑफ नहीं, ओमेगा एम की वैल्यू आपने डाली है, ओमेगा एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी वन अपॉन अंडर रूट ए टी, सही है, चेक वंस मोर। सर इमेजिनरी का रोल लिया हुआ है सर, ओमेगा की वैल्यू इमेजिनरी इमेजिनरी में का आ गई। बेटा, इमेजिनरी का रोल कहाँ, यहाँ कहीं इमेजिनरी है ही नहीं ना, ओनली यू आर इवेल्युएटिंग द फेज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो फेज में केवल और केवल यहाँ से वैल्यू इवेल्युएट होती है, तो ऊपर वाला से आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ ए टी ओमेगा, नीचे वाले से आ जाएगा माइनस ऑफ ए टी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा कहीं गलती तो नहीं लग रही है, सर अगर मैंने सपोज डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से इसमें करा तो ओमेगा की वैल्यू माइनस में आ गया। इसमें आनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इवेलुएट करके देखते हैं व्हाट हैपेंस ओवर है, टी टाइम्स ओमेगा हमारे पास मिलती है 1/√a(t) मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओवर हेयर हमारे पास है 1+a(t)² इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास मिलेगा 1/a(t)² तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, नीचे आएगा हमारे पास 2, डिनोमिनेटर हमारे पास टी से टी कैंसिल, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास बनेगा ए माइनस 1/√a, ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेड, चलो हमारे पास ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, आई विल चेक दिस थिंग, ये गड़बड़ आ रहा है हमारे पास, इस इग्नोर दिस थिंग, तो लेट अस इवेलुएट 10 ऑफ 5 cm, ठीक है, हम इवेलुएट करते हैं 10 ऑफ 5 cm, मैं चेक करूंगा इसको, ये वाई इज इट कमिंग रॉन्ग, बट
यस, लेट अस इवेलुएट 10 5 cm. तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल के देखा तो इट कम्स आउट टू बी ए माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए. ठीक है, 10 5 cm हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे होता है चल ना इसमें कुछ. देखना, चल ऊपर आएगा ना रूट टू, इसमें 5 cm जो निकाला था क्या आपने, ए से अंडर रूट ए काटा है ना, तो नीचे थोड़ी आएगा, ऊपर आएगा रूट ए। बेटा, रूट ए नीचे चले जाएगा ना. सही, यहाँ देखो ना, यहाँ जहाँ आप कह रहे हो गलत आ रहा है, 0 आ रही है वैल्यू यहाँ पे पहले वाले में। हाँ सर ऊपर आएगा ना तो ये नीचे, वन बाय अंडर रूट ए लिखा है बेटा. अच्छा सॉरी, सर हाँ ऊपर आएगा ना रूट ए। हाँ 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 ऊपर आएगा, ऊपर आएगा. चलिए ठीक है, कुछ हो सकता है कैलकुलेशन. अब इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी. अगेन जो हमारे पास फाइनली वैल्यू इवेल्युएट होगी वो यही आएगी. ठीक है, यहाँ से हमें यही वैल्यू इवेल्युएट होके मिलेगी, द मैटर इज सेम. तो आप देखो 10 ऑफ 5 cm क्या होता है हमारे पास, 10 वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. लेट अस कंसीडर दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस वैल्यू. ठीक है, दिस इज माय परपेंडिकुलर वैल्यू, दिस इज माय बेस वैल्यू. तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं. एक ट्राइंगल बनाया मैंने, परपेंडिकुलर वैल्यू इज ए माइनस वन, बेस वैल्यू इज टू अंडर रूट ए, लेट दिस बी थीटा सम वैल्यू, या सॉरी हम यहाँ ले रहे हैं 5 5 cm. ठीक है, तो व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू रूट, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, तो 4 ए में से ट्वाइस ए कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए विच इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ए प्लस 1. तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस 1. हमें क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पे इवेल्युएट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 5 cm, 5 cm इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच. तो परपेंडिकुलर क्या है, ए माइनस वन, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए प्लस वन. हमें क्लियर? तो ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन. अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड आप पहले बहुत पढ़ते होंगे शायद मैथ्स में, तो अगर हम, या फिर सिंपली ये कह लें कि हम यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू इवेल्युएट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए हमारे पास वैल्यू आती है 1 प्लस साइन 5 cm अपॉन 1 माइनस साइन 5 cm. ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 5 cm अपॉन 1 माइनस 5 cm. तो हमें ए की वैल्यू भी मिल गई. ठीक है, तो ये चीजें हमें चाहिए थी. व्हाट आई वांटेड वाज दिस वन. एक फैक्टर आपको ए चाहिए होता है, एक आपको ओमेगा एम चाहिए होता है, दोनों चीजें आपने इवेल्युएट कर ली. ठीक है, तो किसी पॉइंट पे, यानी अगर आप चाह रहे हो किसी का फेज डिस्टर्ब करना, यानी कि फेज को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, यहां से यहां तक का वैल्यू लेंगे, एंड उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी टेक ए. तो ए वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, वो इस तरीके से डिसाइड होता है, 1 प्लस साइन 5 cm अपॉन 1 माइनस 5 sin 5 cm. ठीक है, तो 5 cm आपको क्या है, जहां पे भी आपको फेज चेंज करना है, यहाँ पे सपोज इस फ्रीक्वेंसी पे मुझे किसी सिस्टम का फेज चेंज करना है, तो मैं 5 cm उठाऊंगा, 5 cm पे कितना मुझे चेंज लाना है मैं वो देखूंगा, जो चेंज होगा मेरा वो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दूंगा. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. तो लेट मी इनिशिएट फ्रॉम स्टार्टिंग. सर सबसे पहले आपने क्या किया, एक कंपनसेटिंग नेटवर्क बनाया. तो कंपनसेटिंग नेटवर्क, लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क हमारा कैसा होता है, 1 प्लस AST अपॉन 1 प्लस ST फॉर्म का होता है, एंड ए शुड हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1.
इसको दोबारा से करेक्ट करना, मैंने कल कम लिखाई थी। तो ए शुड हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन वन, जिससे हमारा जो पोल जीरो प्लॉट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जहां पे जीरो विल बी मच क्लोजर टू ओरिजिन एंड पोल विल लाई फर्दर अहेड। तो हमने अब ओरिजिनल नेटवर्क के साथ एक कंपनसेटिंग नेटवर्क हम हमेशा ऐड करते हैं। तो कंपनसेटिंग नेटवर्क हमारा क्या करता है बोडे प्लॉट में, वो ये काम करता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम हेयर मैग्नीट्यूड प्लॉट में, यहां से वो इंक्रीज करता है, इतना चेंज लाता है सिस्टम में, चेंज लाने के बाद इट बिकम्स जीरो। यानी कि केवल क्या किया है, इस सिस्टम ने रिस्पॉन्स को इतना इंक्रीमेंट किया है, केवल इस वैल्यू से वो इंक्रीमेंट किया है सिस्टम। ठीक है, मैं क्लियर, यहां से स्लोप इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ एंड इतना इंक्रीमेंट करने के बाद वो सिस्टम को इतने ही इंक्रीमेंट पे रख लेता है सिस्टम में। अब फेज ऑफ द सिस्टम, फेज ऑफ द सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, फेज ऑफ द सिस्टम पे ये इफेक्ट आता है कि उसने यहां पे इंक्रीमेंट जो भी किया है, सपोज दिस इज माय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो इन बिटवीन यहां से यहां तक ये ऑपरेशन करता है। ठीक है, टेन इनवर्स हमारा जो फेज का एंगल होता है वो इस तरीके से दिया जाएगा एंड इवेल्युएट दिस, हमने फेज वैल्यू इवेल्युएट किया, फेज वैल्यू के बाद हमने इसका मैक्सिमम पॉइंट इवेल्युएट किया, ये मैक्सिमम फेज डिफरेंस कहाँ लाता है, तो मैक्सिमम फेज डिफरेंस हमारा आया एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इस वैल्यू को मैंने वापस से इसमें डाला, आई इवेल्युएटेड दिस, तो हमें मिल गया क्या चीज, दिस ए, ए की वैल्यू हमने फाइनली असाइन करी, जो ए वैल्यू है दैट इज 1 प्लस साइन फाई एम अपॉन 1 माइनस साइन फाई एम। तो कोई भी नेटवर्क आप बनाना है तो यू रिक्वायर ए एंड सेकेंड थिंग यू रिक्वायर ओमेगा एम। ठीक है, क्लियर, यही दो चीजों से आप ए और क्या कहते हैं टी की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। ओमेगा एम आपको पता है, ओमेगा एम वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपने मैक्सिमम फेज डिफरेंस लेके आना है। फाई एम क्या है, फाई एम इज दिस मैक्सिमम फेज डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस लेके आना है, एडिशनल फेज डिफरेंस सिस्टम में। ठीक है, चलिए, तो खाली लीड के लिए होगा ना, लैग के लिए अलग से करेंगे, लैग के लिए कुछ नहीं है, लैग के लिए ए शुड बी लेस देन 1, ओनली दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड। जब ए की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आगे चले जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे चले जाएगा, तो उस केस में जीरो बिहाइंड होता है, पोल आगे होता है। ठीक है, तो अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वुड बी टेकन बाय मी इटसेल्फ, तो मैं सेकंड लेक्चर जो है आपका लूंगा कंट्रोल सिस्टम पे ही, एंड इस पे हम आज एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे एंड वी विल सॉर्ट सम समथिंग फॉर लैग कंपनसेशन एज वेल, इसी तरीके से हम लैग कंपनसेशन के लिए भी जल्दी से निकालेंगे इवैल्यूएशन। ओके क्लियर, सर मशीन का ले लीजिए लेक्चर, मशीन का लेक्चर लेना है, मशीन में क्या हुआ, हाँ, सर वह कुछ डिस्कशन हो जाएगा कुछ क्वेश्चन पे सर, फिर बोर हो जाएंगे ना सर। अरे न्यूमेरिकल है बेटा, न्यूमेरिकल में कहाँ आप बोर हो जाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल के बाद जैसा बोलोगे आप वैसा कर लेंगे। ठीक है, इट्स इन माय हैंड, दोनों सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, तो जैसा आप बोलोगे वैसा ले लेंगे। ठीक है, मशीन्स के ऑलमोस्ट चार यूनिटें हो गई हैं, मैं चाह रहा हूँ पैरेलली आप चलते रहें और पैरेलली दोनों ही सब्जेक्ट्स चलते रहें, तो चार यूनिट दोनों की हो जाए एक साथ। ठीक है, इसकी ये कंपनसेटिंग पार्ट बचा हुआ है, ये कंप्लीट होते ही वी आर ओवर विद यूनिट 4 देन। हाँ बेटा, वैसे सर अभी पांचवी यूनिट के लिए हमारे पास मतलब टाइम तो है ना पूरा, हमारे पास पूरा नवंबर है बेटा। तो सर एक बार ना सर वो सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस मोटर वाला जनरेटर वाला जो टॉर्क डेवलपमेंट के फॉर्मूले है ना सर, एक बार उनका रिवीजन करवा दीजिए सर। बेटा क्या कहते हैं, यूनिट 4 हो चुकी है, यूनिट 4 और यूनिट 5 जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद हम, मैंने स्टार्टिंग से ही लेके चला है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हम सारे के सारे यहीं पे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप रिवीजन ही कर रहे होंगे। ठीक है, नॉट अ इश्यू, हम सारा रिवीजन करेंगे लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, ठीक है विकास, ओके सर,
ओके हाँ सर, बस आपको यहाँ पे उस टाइम पे मैं प्रेजेंटेशंस का यूज करूंगा, उस टाइम पे मैं बोर्ड का यूज कम करूंगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो अब नाउ यू कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग एनी कंपनसेशन पॉइंट इफ आई हैव लेफ्ट। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कैसे कैसे पूछा है, मतलब कैसे कैसे सॉल्व करना है। कंपनसेटिंग नेटवर्क क्या है वो चीज मैंने आपको आइडिया लगा दिया है, कहाँ लगाया जाता है। या तो वो इधर लगाया जाता है, इसको कहते हैं हम कास्ट दिस सीरीज या कास्केड कंपनसेशन, ठीक है। सीरीज कंपनसेशन या कास्केड कंपनसेशन, एक होता है पैरेलल कंपनसेशन। पैरेलल कंपनसेशन इज नॉर्मली डन इन फीडबैक, ठीक है। अगर हम कंपनसेटिंग नेटवर्क इस तरीके से बनाते हैं जो कि हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसके बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं, तो हम GCS इस तरीके से अगर हम कंपनसेटिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कंपनसेशन, प्लस माइनस, ठीक है। एक तो यही फीडबैक होता है ना बनाना पड़ता फीडबैक, है, फीडबैक ये फीडबैक हो गया कंपनसेशन। ना। नहीं, ये अदर देन फीडबैक, इस सिस्टम के अंदर फीडबैक अलग है एंड ये फीडबैक अलग है, ठीक है। दो फीडबैक हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस टाइप का अगेन एक वापस से दोबारा फीडबैक दे दिया हमने सिस्टम को, तो ये सिस्टम का कंपनसेटिंग नेटवर्क दोबारा से इस चीज को एस्टेब्लिश करता है। बट एज ऑफ नाउ हम इस कंपनसेशन टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, केवल थ्योरी पार्ट में है, ठीक है। दिस इज इन्वॉल्व इन थ्योरीज, वी नॉर्मली प्रेफर दिस ओनली, कास्केड कंपनसेशन, क्योंकि कास्केड कंपनसेशन करना इजी है, कंपैरेटिवली इजी है। यहाँ पे पैरामीटर्स एक बार आपने चेंज किए, द एंटायर इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इन जीएस। यहाँ पे क्या है, देर इज नो इफेक्ट इन रिलेशन विद जीएस। देखो कास्केड कंपनसेशन में क्या है, इसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर इसकी वजह से इस पे इफेक्ट आएगा तो सारे पैरामीटर्स दोबारा इवेलुएट करने पड़ेंगे, सारे चेंजेस दोबारा करने पड़ेंगे, एम आई राइट। तो इसलिए वी प्रेफर फॉर सीरीज कंपनसेशन या कास्केड कंपनसेशन, एंड वी नेवर प्रेफर फ्रॉम फॉर पैरेलल कंपनसेशन, ठीक है। इट्स ओनली इन थ्योरी पार्ट, ठीक है। किसी ने भी कंपनसेशन किया है वो सीरीज कंपनसेशन ही किया है। चलिए, तो विद दिस टॉपिक लीड कंपनसेशन हमने ओवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिट सेकेंड लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ एक न्यूमेरिकल पॉइंट, एंड विद दिस टॉपिक इट विल बी ओवर। एक आपके पास क्विज जनरेट होके आया होगा, ठीक है। यू वुड हैव बीन, आज मैंने आपको लोगों को क्विज सप्लाई किया है, तो स्टे फोकस्ड, इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कुछ दिमाग वाला है, ऐसे ही नहीं है रैंडम क्विज बनाया हो। तो क्विज को अटेम्प्ट करो, द क्विज इज नॉट रैंडम, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, एंड लेट मी नो। जाने से पहले आप सभी लोग चैट में मैसेज जरूर डालेंगे, ठीक है, एंड देन यू कैन लीव।